हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन, और इसके लिए हमें क्या चाहिए आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए छोटे वाले बैंगन, इसको हम बीच में से दो कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होता है कि अगर ये बैंगन अंदर से ख़राब हो तो वो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि बैंगन में अक्सर कीड़े होने का डर रहता है। तो हम इसमें ऐसे दो कट लगाएंगे और ये चार पीसेस में हो जाएगा। इस तरह से हमें डंडी तक कट लगाना है, और इस तरह से हम अपने सारे बैंगनों में कट लगा लेंगे। ये मैंने अपने सभी बैंगनों में कट लगा लिया है। आइए अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब इसको हम 4 या 5 मिनट के लिए बस हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने इन्हें फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमने इनको अभी मसालों के साथ पकाना है। अभी हम यहाँ पर इनको बस थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, जिसमें हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे बस, और ढक्कन लगा के इनको रख देंगे, क्योंकि बैगन रखने के बाद छींटे आते हैं। उसको हमने ढक दिया। इस तरह से थोड़े थोड़े से फ्राई हो गए हैं। हमें इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और डीप फ्राई भी नहीं करना है। अभी 1 मिनट में इसको और फ्राई करूँगी। अब हमारे बैंगन लगभग हो चुके हैं, चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं सभी साइड से। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब हम बनाएंगे मसाला बैंगन के लिए मसाला। ये मैं वही कढ़ाई में मैं बड़ी इलायची डाल रही हूँ। मैंने ऑयल थोड़ा कम कर लिया है। बड़ी इलायची, साबुत लाल मिर्च, तेज़पात और थोड़ा सा जीरा। अब हम बनाएंगे इसका मसाला। मैंने पहले से कटी हुई प्याज ले रखी है। अब हम उसमें अपना कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। ये 2 बड़े कटे हुए प्याज हैं, मैंने बारीक काट रखे हैं। दोस्तों, मैं इसमें कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो उसमें पिसा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं, वो मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पिसा हुआ मसाला, पिसे हुए टमाटर। मैं इसमें कट करके ही ऐड कर रही हूँ, इससे ये सब्ज़ी में बैंगन के साथ दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने हल्दी ऐड की है, हल्दी और मसाला, बाकी सब मसाला अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करिए। धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और प्याज को हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा फ्राई करना है बस। और फिर हमने अपने सारे मसाले उसमें डालने हैं और उनको अच्छे से मिक्स करना है। ये मैं कश्मीरी मिर्च डाली हूँ सब्जी में कलर के लिए, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इसको सब्जी में ऐड करने से। सभी मसाले अपने अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें, मैंने 2 बड़े टमाटर कट करके रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हमने टमाटर बाद में ऐड किए हैं, पहले सारा मसाला हमने मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए हैं इसमें। और हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम लास्ट में डालेंगे इसमें नमक, ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी धीमी आंच में, ताकि टमाटर हमारे पक जाएं। 2 मिनट हो चुके हैं, ये टमाटर हमारा अच्छे से गल गया है और मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्की सी हम ग्रेवी करेंगे इसमें, ताकि हमारे बैगन जो हैं वो इसमें अच्छे से पक जाए और मसाला बैगन के अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके लिए हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला करेंगे, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम बैगन ऐड करेंगे। मैं अपने फ्राई किए बैगनों को उसमें डाल रही हूँ। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए हम इनको भी पकने देंगे। बैगन हमारे पहले से फ्राई किए हुए हैं, तो वो आगे पहले से ही पक चुके हैं, और 5 मिनट हम इसमें और सेकेंगे, ताकि जो मसाला है
वो बैंगन के अंदर तक जो हमने कट लगाया है उसमें अंदर तक पहुँच जाए और बैंगन मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके लिए हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आइए देखते हैं। देखिए बैंगन हमारे गल चुके हैं अच्छे से, बैंगन और मसाला एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको बैंगन मसाला की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्जी पराठों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरी बाकी बनाई वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर आए हुए लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।